होगा। नहीं कर सकते। कानून की ऊंची दीवारों में इतनी कच्ची ईंट भी होगी हम सोच भी नहीं सकते। एक गंगू और तुम्हारे पास 140 मुसल्ला पहरेदार और वो फिर भी भाग गया। आई कांट बिलीव इट। सर मैंने पूरी कोशिश की थी लेकिन वो फिर भी बचकर निकल गया। रिवायती जुमले और रिवायती जवाब सुनने के हम कायल नहीं। गंगू इस मुल्क के सबसे बड़े खतरनाक गिरोह का सरगना है और उस गिरोह के अड्डे तक पहुंचने के लिए वो मोहरा भी हमारे हाथ से निकल गया। आई डिसमिस यू जेलर। न जाने ऐसे खतरनाक मुजरिम के भाग जाने से हमारे मुल्क में कितने जायम का इजाफा होगा। Jackie. Okay, bye. Bye. रेस्ट हाउस नहीं। उठो, कौन है तू? गंगू तू? मुझे जेल से बाहर देखकर हैरान क्यों हो गए? शायद ये सोचकर बेफिक्र हो गया था कि जेल जाने वाला कभी वापस नहीं आ सकता। सिल्वा को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। मैं सिल्वा तक पहुंचने से पहले तेरे साथ हो जाएंगे गंगू। अभी तो मैं तुम्हारे सांस खत्म करूंगा। दोनों लाशें मेरी तरफ से सिल्वा को तोहफा है। उसे कह देना कि अपनी वसीयत लिखवाने का बंदोबस्त कर ले। जा। ये वसीयत मैं गंगू के खून से लिखूंगा। आज की रात गंगू की जिंदगी की आखिरी रात होगी। ओए 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 तू बड़ा बदमाश हो गया है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। लो बहन फरीदा तुम इसे सुलाओ, मैं इसके लिए दूध ले आऊं, कहीं बाजार बंद ना हो जाए। हाँ फरीदा। गंगू तू? हाँ फरीदा, मैं सिल्वा का जुर्म अपने सर लेकर इसलिए जेल गया था कि वो तेरी देखभाल करेगा, मगर जब मुझे पता लगा कि उसने तेरी जिंदगी को अजीरन कर दिया है तो मुझे जेल से फरार होना पड़ा। कितनी बदनसीब बेटे की शक्ल में खुशबख्ती ने आज ही मेरे घर में कदम रखा था और आज ही बदबख्ती जेल से निकलकर मेरे सामने खड़ी हो गई है। ये बदबख्ती इस खुशबख्ती को अपने सीने से लगाने आई है फरीदा, अपने सीने से लगा। नहीं गंगू, मैं इस मासूम पर तेरा साया भी नहीं पड़ने दूंगी। मगर ये मेरा खून है, मेरा खून है, अपना खून है। तो फिर इसी खून की कसम खाकर कहो कि आज के बाद तुम अपने जुर्मों की इस किताब को हमेशा के लिए खत्म कर दोगे, खत्म कर दोगे। मैं अपने इस खून की कसम खाकर कहता हूं कि मैं हर जुर्म के रास्ते की दीवार बन जाऊंगा। मैं अपने बेटे को शरीफ आदमी बनाऊंगा, मैं इसको बड़ा आदमी बनाऊंगा, बड़ा आदमी बनाऊंगा। जिंदा रहोगे तो बनाओगे ना। सिल्वा, गंगू ने शराफत की राह पे चलने की कसम खाई है, मुझे मजबूर न कर। अब तेरे मेरे रास्ते अलग हैं, चला जा यहां से। सिल्वा तो आज तेरे खून से वसीयत लिख के जाएगा गंगू। यहां से लेके भाग जाओ। फरीदा भाग जा। गंगू बेटे को लेके भाग जाओ यहां से। प्लीज ओके okay? ये थोड़ी देर बाद होश में आ जाएंगी। तुम तो एसपी साहब को मुबारकबाद दे दो। ओके okay, डॉक्टर साहब। एसपी साहब आपको मुबारक हो, खुदा ने आपके घर बेटा दिया है। थैंक यू। मुबारक हो सलमा। इंशाल्लाह ये भी एक दिन मेरी तरह बहादुर और फर्स्ट ऑफिसर बनेगा। गंगू तुम क्या तुम जेल से आ गए? कहानी बहुत लंबी है, मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त बहुत बुरा है खानू। ये मेरा बच्चा है, इसे संभालो यार। भाभी कहाँ है? वो कत्ल हो गई। जुर्म की जिस तलवार ने मेरी तुम्हारी दोस्ती की डोर काटी थी, आज उसने भाभी को भी कत्ल कर दिया। कंकु तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी मंजिल क्या है? मंजिल? अब मेरी मंजिल सिर्फ इंतकाम है, इंतकाम है। कंकु मुझे तेरी कसम है फरीदा, मैं तेरे खून का कर्ज चुकाए बगैर नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा। गिरफ्तार कर लो इसे। बेटे का नाम दिलावर रखा है। कैसा नाम है? बहुत अच्छा नाम है खानू, बहुत अच्छा नाम है। लेकिन सुनो, गंगू की जबान बन गए हो तो उसका दिल भी बन जाओ। नाम दिलावर रखा है तो उसे ऐसी ताकत बना दो कि उससे हर टकराने वाला पाश पाश हो जाए। उसका नाम सुनकर लोग कांप उठे। लोग कांप उठे, मगर क्यों? इसलिए कि अपनी बीवी के खून की कसम खा चुका हूं कि इसे साथ लेकर इंतकाम जरूर लूंगा। खानो, वक्त का दीमक मेरे बाजुओं की ताकत को खोखला कर सकता है। मैं दिलावर को अपना बाजू बनाना चाहता हूं, ताकि इंतकाम की इस जंग में गंगू तन्हा न रहे। मैडम, मैं 10 रुपए लिए बगैर स्कूल नहीं जाऊंगा। अनवर, तुम एक अच्छे बाप का खून हो। तुम हर रोज 10 रुपए का नोट लेकर जाने की जिद क्यों करते हो? चल आप। अनवर, बुरी बात है बेटा, बहुत बुरी बात है। तुम्हारी मम्मी के मरने के बाद रीटा ने तुम्हें माँ बन के पाला है, इसकी इज्जत किया करो, समझे? अच्छा जनाब, ये लो बाबा अपना गुंडा टैक्स, और जाओ स्कूल। जी, आप क्या कर रहे हैं? क्या करें रीटा, इसके प्यार के हाथों मजबूर है। ओके। अनवर, मैं तुम्हारा बैग लेकर आती हूँ। अनवर, ये लो बैग, और अब अच्छे बच्चों की तरह स्कूल जाओ। सारे ही पैसे चोरी करके ले गया। इतने अजीम बाप का बेटा, और इतनी बुरी राह पर। यार, आज अनवर शहजादा नहीं आया। यार, उसे पैसे नहीं मिले होंगे। वो आ गया मेरा शहजादा। क्या बकवास कर रहे थे तुम लोग? आज मैं तुम सबको कंगाल कर दूंगा। बाटा बत्ते। फैसला तो पत्ते करेंगे शहजादे। शौकर, 3 यक्के। 3 यक्के? 2 यक्के तो मेरे पास है, ये 3 यक्के तुम्हारे पास कहां से आ गए? ये मुझसे नहीं, यक्कों से पूछो। तो फिर ये यक्के ही बताएंगे। हेलो, पुलिस स्टेशन। सर, मैं मुनकलब से बोल रही हूँ। ताश में कितने बादशाह होते हैं? 4। 5वें को भूल गए तुम? 5वां कौन सा है सर? 5वां बादशाह मैं खुद हूँ, और इस बादशाह का तख्ता मैं उल्टूंगा। हमारी बादशाहत में वर्दी पहनकर रूप डालना नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म है डिप्टी। और हमारे कानून में किसी बड़े ऑफिसर का बेटा कोई भी जुर्म करने का इख्तियार नहीं रखता। हमारी आन तुम्हारे इख्तियार से बहुत ऊंची है। Hands up by the order of Prona Khan। माफ करना सर, मैं भूल गया, पुराना आदमी हूं ना। सर इसे यहीं पर छोड़ दो वरना ये हमें कहीं का ना छोड़ेगा। शट अप। ओके सर। कानून फैसला करते वक्त गधे और घोड़े में तमीज नहीं करता। अरेस्ट हिम। चलो डिप्टी। आप तोड़ फोड़ के जिस जुर्म में इसे गिरफ्तार करने लगे हैं उसके असली मुजरिम तो भाग चुके हैं। आप इसकी नाजायज हिमायत कर रहे हैं सेठ साहब। नहीं, हम आपको एक शरीफ इंसान की अहमियत बता रहे हैं। ठीक है, तुम जा सकते हो। शट अप। सेठ साहब, आपने इसे छुड़ाकर अच्छा नहीं किया। हम शरीफों और बहादुरों की इसी तरह कदर किया करते हैं। सेठ साहब, जीप में डालने के लिए कुछ डीजल वगैरह की, मेरा मतलब है कि चलो कोई बात नहीं, फिर सही। बॉस, आपका फैसला मेरी समझ में नहीं आया। क्लब में इतना नुकसान करने के बावजूद आपने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। तेरी समझ में आएगा भी नहीं, इसलिए कि जंगल में रहने वाले मुजोर घोड़े का फायदा तभी होता है जब उसे लगाम डाल के काबू कर लिया जाए। इंसानी ताकत को दो ही चीजें काबू कर सकती है, नंबर वन दौलत, नंबर टू हुसन। दौलत का फंदा तो हम डाल ही देंगे लेकिन हुसन का तीर तुम चलाओगी। फिर हम देखते हैं कि वो कमबख्त हमसे कैसे बचता है। Oh boss, you're really great. Same to you. ए, निकाल मेरा बटुआ। अबे कौन सा बटुआ? जो मेरी जेब से चुराया है। वो सब आकर मैं तुझे चोर लगता हूँ? ओए, ओए क्यों लड़ रहे हो? हवालदार साहब इसने मेरा बटुआ चुराया। ओए, तू तो शक्ल से ही आधी चोर लगता है। काका, बड़े दिनों से तलाश थी मुझे तेरी। आज मैं तुझसे सारी चोरियां पूरी करूंगा। चल तो जरा थाने, वहीं चलकर हिसाब होगा तेरे साथ। चल। अरे चल। मेरा बटुआ। मारकर भाग गया। कोई हड्डी उड्डी तो नहीं टूटी? जी नहीं, यहाँ कोई हड्डी नहीं होती। जाना कहाँ है आपको? जी नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अजी आजकल उल्लू के पट्ठे बहुत हो गए, कहीं ऐसा ना हो कोई और उल्लू का पट्ठा आपको टक्कर मारकर चला जाए। आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। शुक्रिया, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अरे अकेली कैसे जाएंगी, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए उठिए उठिए। शाबाश, चलिए बैठिए। अजी बैठ भी जाइए। उफ बेड़ा गर्क, आज कहीं लड़की ना शिकार हो जाए। बस यही रोक दे। आपके ये घर? जी। फिर मुलाकात होगी, उम्मीद पर दुनिया कायम है। बाय बाय। बाय। अरे यार फिकर क्यों करता है, लौंडिया को आने तो दो, हम उसकी जेबें नोटों से भर देंगे। लौंडिया खूबसूरत हुई तो तेरा कमीशन भी डबल होगा। हैं? अरे रे, कौन हो तुम? तेरा इंतजार कर रहे। मेरा इंतजार? जी आओ तो सही। ये चौका था। सारा काम मुकम्मल हो गया है? हाँ जमाल बाबा, तुम्हारी बड़ी बड़ी मेहरबानी बच्चों। मेहरबानी वाली कौन सी बात है जमाल बाबा, बहनों की शादी पे भाई काम करते ही हैं। भाई जीते रहो, जीते रहो, अल्लाह तुम्हारी खैर करे, जीते रहो। या अल्लाह, मुझ गरीब की इज्जत तेरे हाथ में है। जमाल बाबा, जमाल बाबा, शुक्र है खुदा का बच्चियों कि तुम आ गई हो। कल शादो बेटी की बारात आ रही है। ये ले बा, हमारे होते तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इंशाल्लाह अब हमारी बहन की बारात भी आएगी और टोली भी उठेगी। अरे बारात आ गई, आओ देखे दूल्हा कैसा है। अरे मीता, दूल्हा कितना सोना है। कितनी हसीन है हमारी शादो। देखना यार, नजर न लग जाए हमारी बहन को। ये इतनी देर किस लिए गुलाम मोहम्मद? निकाह तो पहले हो गया था फिरोजदीन, आज तो सिर्फ रुखसती है, जल्दी फारिग हो जाएंगे। लो बच्चियों, अपनी बहन को प्यार कर लो ताकि इसकी रुखसती कर दें। तू हमारे उस्ताद कालिए की पसंद को किसी और के साथ कैसे भेज सकते हो बुड्ढे? अरे मुझे माफ कर दो जालिमों, इज्जत की खातिर इस बस्ती में सर छुपाया था और तुम यहाँ भी आ गए हो। कालिए की पसंद को तू 7 आसमानों तक भी ले जाता, हम उसे वहां से भी निकाल के ले आते बुड्ढे। कालिया दूल्हा बनकर दुल्हन का इंतजार कर रहा है, अगर तू उसे हमारे साथ नहीं जाने देगा तो हम उसे उठाकर ले जाएंगे। बहनों की डोली हमेशा भाई उठाते हैं। सुन लिया है बगैर तो? शेरे, दुल्हन के साथ साथ हमारे जश्न का यह खूबसूरत सामान उठा लो। हा, 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 हा। हैदर गुंडे तेरी दुल्हन को उठाने आए हैं और उनके साथ टीना और बीना लड़ रही हैं। अगर इस वतन की लड़कियां गुंडों का रास्ता रोक सकती हैं तो मर्द क्यों कर पीछे रह सकते हैं। मैं अपनी इज्जत की तरफ बढ़ने वालों को कुत्ते की मौत मार दूंगा। ओए बेगैरत, तो बिगड़े हो जाओ, तुम्हारा बहनोई आ गया है। मेरे भाइयों, अगर तुम सारे मिलकर बदमाशों का मुकाबला करो तो कोई तुम्हारी तरफ बुरी आंख से देख नहीं सकता। याद रखो, शेर के एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर होती है। जान लो कि तुम शेर हो और बदमाश गीदड़ है। जिस दिन एक शरीफ खड़ा हो जाए उस दिन वो 100 बदमाशों की मौत बन जाता है। उठाओ बहन की डोली, सारे उठाओ बहन की डोली, उठाओ। चल अबे चल। तेरा नाम पुराने खाए, नवा 9 दिन पुराना 100 दिन, यानी कि ओल्ड इज गोल्ड। तुमने क्या किया? नाश्ता किया है। किस चीज का? चर्स का। चर्स का नाश्ता किया है? नशे करते हो? तुमने क्या किया है? मैंने तो सिर्फ इश्क किया है। इश्क किया है? यस। इश्क तो हम करते हैं, तुम हमारे पार्टनर कहां से पैदा हो गए हो? तुमने क्या किया है? मैंने उधार खाया है माई बाप। उधार खाया है और पैसे नहीं दिए? अरे उधार खाकर तो पैसे हम नहीं देते, तुम हमारी नकल क्यों कर रहे हो? तुमने क्या किया है बुड्ढे कुकुड़? मैं नजूमी हूँ। ओह, नजूमी हो? हाँ। माफ करना, जरा मेरा हाथ देखकर बताइए कि मेरी तरक्की कब होगी और मेरा लव प्रोग्राम कब चलेगा? इसमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा जनाब, आप पिछला पैर दिखाएं। पिछला पैर? हाँ। ओए, क्यों, क्या हुआ? इसमें नाल का निशान है। मेरा मतलब है कि आप पहले डर्बी की रेस में दौड़ते रहे, फिर पता नहीं क्या हुआ, तांगे में दौड़ने लगे, 8 आने सवारी। मेरा मतलब है कि आप पिछले जन्म में घोड़े थे। अरे हाँ। तुम छुप जाओ चांद सितारों, जल्दी बताओ पारो, तुम क्या थे पिछले जन्म में? मैं एक नटखट घोड़ी का बाप हूँ। नटखट घोड़ी के बाप हो, यानी कि तुम हमारी फैमिली में से हो। हाँ। तरह इधर आओ के पास ही। हाँ। बताओ, उस लाल घोड़ी चिट्टे लगाम वाली से हमें कब मिलवाओगे? वो बहुत जल्द मिलने वाली है आपको। अच्छा? और आपका वलीमा भी होने वाला है। कब? सिर्फ फर्क ये है कि सारे मेहमान प्लेटों में खाएंगे और आप खुरली में खाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। हम खुरली में खाएंगे। खुरली? जाओ, तुम्हें माफ किया, हम किसी वक्त भी बारात लेकर आ जाएंगे। साहब, उसको छोड़ दिया है, हमें क्यों नहीं छोड़ा? उसको इसलिए छोड़ा कि छोड़ दे सारे मुजरम किसी के लिए ये मुनासिब है आदमी के। रिमांड लेने के बाद मालूम हुआ कि वो बेगुनाह है और तुम क्रिमिनल हो। जाओ। अनवर, डैडी के जाने वाले को पीछे से आवाज नहीं देनी चाहिए। बचपन में तो मैंने तुम्हें और भी बहुत कुछ बताया था बेटा, लेकिन लगता है अच्छी बातें सब भूल गए हो तुम। अब मैं कोई दूध पीता हुआ बच्चा तो हूं नहीं डैडी, अपना अच्छा बुरा सब कुछ समझता हूं। जो लोग कानून तोड़ते हैं वो भी समझते हैं कि कानून तोड़ना जुर्म है, इसलिए सिर्फ अच्छा या बुरा समझना कोई बात नहीं, अच्छाई करना और बुराई से बचना असल बात है। क़यामत के रोज कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, यही कहना चाहते हैं ना आप? हाँ। मैंने एक ख्वाब देखा था कि तुम्हें एक दिन अपनी तरह पुलिस ऑफिसर बनाऊंगा ताकि तुम इस मुल्क और कौम की खिदमत कर सको। मुल्क और कौम के खादिमों ने ही तो इस मुल्क को बर्बाद किया है डैडी। मैं अपने आप को तो बर्बाद कर सकता हूं, लेकिन अपने मुल्क को नहीं। ऐसा ना हो कि तुम्हारी जिद का ये जहर किसी दिन हमारे बेदाग किरदार की मौत बन जाए। किरदार खराब होगा तो DIG जमान का। तुम्हें क्या फिक्र है जो अनवर के लिए दिन रात परेशान हो? इसलिए बाबा कि अनवर मेरे मोहसिन का बेटा है और आज मैं जो कुछ भी हूं उन्हीं की बदौलत हूं। वो तुमसे ज्यादा अनवर को समझाते होंगे, उनकी नहीं सुनता तुम्हारी क्या मानेगा? उसके मुंह लगोगे, किसी मुसीबत में फंसा देगा तुम्हें। मेरी असल परेशानी यह है बाबा कि अनवर साइमन के करीब होता जा रहा है और साइमन मुल्क और कानून दोनों के लिए खतरा है। तो तुम उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? यही तो दुख है बाबा कि उसके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है। वो ऐसा चालाक इंसान है जो सबसे ज्यादा कानून को जानता है। मुझे नोट चाहिए अनवर साहब, और आज तक मैंने शटअप नाम का नोट नहीं सुना। दोबारा मांगोगे तो वो भी सुन लोगे। मैंने कह जो दिया कि मैं पेमेंट कल करूंगा। कल क्यों, पेमेंट आज ही होगी। खेलो जब तक जुआ चलता रहे या जब तक तुम्हारा जी चाहे। इस मेहरबानी की वजह? पर खुरदार, इंसान को घोड़ा पसंद आ जाए तो उस पर लाखों खर्च कर देता है। तुम तो एक इंसान हो, तुम पर करोड़ों खर्च कर सकता हूं। क्यों वलास? यस बॉस। ये रकम अगर उधार है तो इसकी वापसी की शर्त यह है कि अगर जीत जाओ तो रकम ले जाना, और अगर हार जाओ तो और मंगवा लेना। ओके? आज तो मैं तुमसे मिलकर ही जाऊंगा। मछली। गुड। थैंक यू। बाय बाय। चारा। मछली। लो तंबाकू पी लो। मैं तंबाकू नहीं पीता। पीते नहीं हो तो कम से कम सूंघ लो, तुम्हारे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। वेरी गुड। तुझे पहली कामयाबी मुबारक हो अनवर। जाने वाली बात करो। ओके। बात है, बहुत जल्दी है जी। मैं अपने एक बीमार अजीज की मिजाज पुरसी के वास्ते जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जरा गाड़ी चेक करवाओ, फिर मैं भी तुम्हारे साथ मिजाज पुरसी के लिए जाता हूँ। हैं? लाओ पकड़ाओ। बिल्ली। मैंने कहा बिल्लियां पकड़ने का कारोबार करते हो? पहले ये बताओ कि ये बिल्ली पकड़ी कैसे? ले पकड़ चाबी, तुम जा सकते हो। तुम्हारी डिग्गी में सिवाय बिल्ली के कुछ भी नहीं। बड़ी आला किस्म का तंबाकू इस्तेमाल करते हैं जी। वो अपने अपने टेस्ट की बात होती है सर। गिरफ्तार कर लो इसे। बाहर निकल बे बेलचे के मुंह वाले। चल, तुम्हारी बिल्ली को भी चेक करना पड़ेगा। लोग तोते पालते हैं, ये बिल्लियां पालता है। जल्दी बता बे, ये हीरे किसके और तेरा बॉस कौन है? नहीं तो तेरी जिंदगी खत्म कर दूंगा। हमने तुम्हारी बहादुरी और अक्लमंदी को हमेशा तस्लीम किया है दिलावर, और आज भी हमें तुम्हारी जात पर फख्र है। सर ये आपकी सरपरस्ती और आपकी दुआओं का नतीजा है कि मैं हर मुहिम पर कामयाब आपके सामने पेश होता हूं। हम तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ भी करेंगे और आईजी साहब से सिफारिश भी। थैंक यू सर। सामन, अनवर बोल रहा हूं। डीएसपी दिलावर ने जो हीरे पकड़े हैं वो डैडी के सेफ में है। डोंट वरी, मेरे आदमी रात के 2 बजे पहुंच जाएंगे। क्यों सोनिया? यू आर रियली ग्रेट बॉस। सेम टू यू। यह है वो तिजोरी जिसमें वो हीरे हैं। अंदर चले जाओ, लेकिन खामोशी से काम करना, डैडी जागना चाहेंगे। आपको कुछ नहीं? क्या हुआ डैडी? अनवर इन्हें हॉस्पिटल ले चले। ठीक है। डीआईजी साहब, आपका काफी खून बह चुका था, मगर दिलावर ने अपना खून देकर आपकी जिंदगी बचा ली है। क्यों? हमारे बेटे ने खून देने से इनकार कर दिया था। बात खून की नहीं, ब्लड ग्रुप की है। अनवर का ब्लड ग्रुप आपसे नहीं मिलता था। हमें खून के इस मिलाप पे खुशी भी है और फख्र भी। हैरान इसलिए है कि अगर हमारा खून एक है तो फिर दिलावर का खानदान दूसरा क्यों है? वाह अनवर, हम तुम्हें मान गए। तुम वाकई बहुत बड़े हो, लेकिन आज हम तुम्हें इनाम भी बहुत बड़ा देंगे। ये लो $100,000। थैंक यू। यू वेलकम। वेल डन विलास, यू आर रियली माई राइट हैंड। थैंक यू सर। मैंने दौलत का जाल फेंक दिया है, अब तुम अनवर पर हुस्न का जाल फेंक दो। क्यों, कैसा है? You are really great, boss. Same to you. आज हमें लिफ्ट दोगे? हम लिफ्ट दिया भी करते हैं और लिफ्ट लिया भी करते हैं। क्या बात है तुम्हारी। रियली? दरवाजा, अंदर आ जाओ। मैं हूँ हंसी और तुम हो जवां, बाहर खड़े हो क्यों मेहरबां। अंदर आ जाओ, खुला है दिल का दरवाजा, अंदर आ जाओ। खुला है दिल का दरवाजा। मैं पकड़ाऊं जो तुम मेरा मुंह देख रहे हो? छोड़ो नजूमी, आज सिर्फ मेरे बारे में बताओ। मेरे हर सवाल की फीस 10 रुपए होती है। मुझे मंजूर है। तो निकालो नोट। हर सवाल का 10 रुपए लेते जाओ और मुझे बताते जाओ। पहले सवाल के 10 रुपए। अब बताओ कि मेरी तरक्की कब होगी। सब ठीक है, हटाओ। तुम अपनी छुरी दिखाओ। मेरे जूते सूंघ कर अपनी मिर्गी ठीक कर रहे हो। मैं तुम्हारी मिर्गी ठीक करूंगा, है अभी बताता हूँ। तरक्की जरूर होगी। तरक्की होगी? हाँ, मगर कब? प्लीज बताता हूँ। हाँ, जब शादी होगी। है? हाँ। शादी कब होगी? प्लीज चुप करो तोते। जब लड़की मिलेगी। लड़की कब मिलेगी? प्लीज मंगल वाले दिन। मंगल वाले दिन? हाय हाय हाय। मगर कहाँ मिलेगी? फीस। डाका नहीं, फीस। तो फीस के पैसे तो खत्म हो गए। अब तो जवाब भी खत्म हो गए। राजा गार्डन में। राजा गार्डन में? हाँ। वक्त क्या होगा? प्लीज। बताता। 11 बजे 11 कदम के फासले पर। अच्छा, इधर से आएगी। प्लीज। जल्दी दो, जल्दी। मेन गेट से आएगी। मेन गेट से आएगी? हाँ। उसकी निशानी क्या होगी? भाई बहुत जज्बाती हो। मालता पीले कलर के कपड़े पहने होगी। अरे सबके जहाँ बसंती और यहाँ ये। उसकी मेरे साथ शादी होगी। सवाल भी बहुत अच्छा पूछा आपने। शादी जरूर होगी। शादी होगी? हाँ। बाबा तेरे सब। हनीमून कहाँ मनाया जाएगा? मार दिया तुमने। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कश्मीर की वादियों में, हदवाना गार्डन में। हदवाना गार्डन में? हाँ। अच्छा। बच्चों का नहीं पूछोगे? क्यों नहीं? जिसने हमें मारकर हमसे डोली उठवाई थी। इसने कालिए से उसका प्यार छीना था, कालिया इससे इसकी इज्जत छीन लेगा। इज्जत कोई टॉफी नहीं कालिया, जिसे छीन लोगे। मैं अपनी इज्जत की हिफाजत करना खूब जानती हूँ। इन दोनों को गाड़ी में फेंको और ले चलो साथ। ड्रॉप नहीं करोगे? हाँ, जरूर करूंगा, लेकिन आज पैसे डैशबोर्ड में नहीं है, मेरी जेब में है। आज पैसे नहीं कमाने, तेरे प्यार की कमाई करनी है। करार है मेरा ग्यारह तो बज गए हैं। अब जूमी के कहने के मुताबिक 11 कदम चल कर देखूंगा कि नजूमी सच्चा है या झूठा है। 1 2 3 नहीं, ऐसे नहीं, तरन्नुम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सबके जावा तेरे नजूमी तो ओए, आज पहला नजूमी है जिसने सच बोला है। मेरी जिंदगी तो सामने खड़ी है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। Oh my God, thank you। तूने आसमान का चांद जमीन पर उतार दिया है सिर्फ मेरे लिए। अल्लाह शक्कर खोरे को शक्कर ही देता है मेरे हमदम। मैं शक्कर, तू हनी, तू शहद। जी जाता है तुझे आबे मोहब्बत में घोल कर एक ही डीग में पी जाऊं। कहाँ चली दामन छुड़ा के पहली मुलाकात है। कुछ शबशबैया तकतकैया ते करो, बढ़िया फीसा देती है। यानी सबर करो, सबर का फल मीठा होता है। पाटीपुर अली खान, जब तक निकाह की हथकड़ी न लग जाए। जुर्म मोहब्बत साबित हो चुका है, हथकड़ी लग चुकी है। अब ये पुराने खान सारी हयाती के लिए तुम्हारा कैदी हो गया है। अब ये बताओ कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ नेक्स्ट मीटिंग, यानी कि अब कहाँ मिलोगी? अस्तबल में। क्या मतलब? मेरा मतलब नीले समंदर के किनारे। नीले समंदर के किनारे, कहीं वहां मगरमच्छ ही ना पड़ जाना। सर मैंने उसे बुलाया है। ओके सर। आओ गंगू आओ। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। हुकूमत ने तुम्हारी शराफत को देखकर तुम्हारी कैद में 2 साल की कमी कर दी, लिहाजा आज तुम रिहा हो रहे हो। यह एक रस्म सही, लेकिन तुम्हें यह बताना मेरा फर्ज है कि तुम बाहर जाकर शराफत की जिंदगी गुजारोगे। शराफत और शर दोनों लफ्ज शीन से शुरू होते हैं जेलर साहब। ये तो वक्त की आंधी ही जानती है कि कब आएगी और किस तरफ ले जाएगी। यहाँ शराफत की तरफ या शर की तरफ। मुझ पर बेशुमार लोगों के एहसानात हैं जेलर साहब, जिन्हें उतारना बहुत जरूरी है। उन्हें उतारते वक्त न जाने क्या से क्या हो जाए। बस आप सिर्फ ये दुआ करें जेलर साहब कि मेरे मोहसिन मुझे जिंदा मिले। सलाम। अच्छे आदमी के लिए हम दुआ जरूर करेंगे। दरिया होगा रक्स में सारा, ऐ नजारे ना बाला खाने ना चुबारे, बस दरिया दे किनारे, ना बलख ना बुखारे, दुम तारे दुम तारे दुम तारे। अदावल किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए पुलिस वाला सारा दिन तो इंतजार कर सकता है, मगर अपनी महबूबा का इंतजार 1 घंटा भी साल के बराबर लगता है। जल्दी आजा मेरी चिंगा मछली, कहीं तेरे इंतजार में प्यार का ये गुलदस्ता शार्क मछली छीन कर न ले जाए। नसीब करने कोई नहीं आया। शायद कहीं हम पहले आ गया है। तुम ठीक वक्त पर आया है। आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू। हैंड्स अप, गिव मी ब्रीफकेस। अकेला गए रिसीव करने कोई नहीं आया। ये लाश तो खड़ी है, मगर मेहमान कहां गए? अरे साला हम ही लेट हो गया है। कहां रह गए थे आप लोग? हम हीरा मंडी में रह गया था, मगर तुम्हारा वाला मंडी तो बहुत ब्यूटीफुल होएगा, अच्छा वाला पीस होएगा। हमारे आदमी आप लोगों को रिसीव करने गए थे, मगर आप लोग निकल चुके थे। बात दरअसल ये है कि हम अक्सर खुद ही निकल जाते हैं, किसी दूसरे को निकलने नहीं देते। हमें भी ऐसे ही चालाक लोगों की जरूरत है। अब बात असल ये है, देखिए हम ज्यादा चालाक आदमी तो नहीं है, सीधा साधा आदमी रहा है। हम तो पुराना बंदा है। आई मीन आई एम ओल्ड। यस, ही इज डेविड ओल्ड। यू अंडरस्टैंड हरकुलिस? लेट अस एंजॉय फर्स्ट, कम ऑन। ऑफ कोर्स। जब रात में है कि जब चांद निकल I really enjoyed it. It was fantastic. And you lady, you're too sexy and very beautiful. Oh, you are lady killer. What about me? You... damn so... wonderful. Oh, no, no. Darling. Come on. Oh, yes, yes, yes. David Dole. Yes, yes. Let's go. Oh, no, no. Can go. I want to stay with a colorful lady. Oh, of course. Where is my briefcase? There it is. Ah. Oh, yes. Please. Okay. Bye, sweetie. Mm. Ah. Bye. Goodbye. Oh, listen. Listen, my sweet. Good night, everybody. Have a sweet time. Come on. Catch me if you can. Oh, my sweet. Where are you? Please catch me. कुड़ियाँ किथे चली गई हैं? हाँ? दूसरे के घर पे आओ. Come on, sir. Very good. माल जितना चाहेंगे आपको मिल जाएगा. वो तो ठीक है. I would like to see your boss. बॉस से मिलना जरूरी है. I am very sorry, sir. आप एकदम इतनी ऊंची सीढ़ी नहीं चढ़ सकते. एक एक करके सीढ़ियां चढ़नी होंगी आपको. बॉस का खास आदमी अभी आपको माल दिखा देगा. No problem. ये लीजिए माल. ये नंबर 1 क्वालिटी है, लेकिन एडवांस 2 करोड़ होगा. नो प्रॉब्लम. आई ब्रॉट $1 मिलियन, यानी 20 रुपए के हिसाब से 2 करोड़ रुपया. अब अपने आप को मेरे हवाले कर दो अनवर. ये बताओ कि माँ की टेम्पल यहाँ से कितनी दूर है? क्यों? तुमने वहाँ पर तकरीर करनी है? अरे नहीं, तकरीर नहीं करनी. ये बताओ कहाँ है वो? पुराना खान? तुम कैसे दे रहे हो? हम जरा मरीज के लोग मुजाहरात करके वापस आए हैं, लेकिन ऐसी खूबसूरत जगह पर आए हैं कि वाह 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 वाह. आसमान से गिरा और मीठी खजूर में अटका. अबे अब बागर बिल्ले तो किसकी इजाजत से यहाँ आया? मैं यहाँ आया नहीं, खेत आया हूँ. तू अखरोट वर्गा मुँह लेके यहाँ कैसे आया? अबे कूड़े के ड्रम, ये मेरा अपना घर, अपनी बेटी है. अच्छा, पेशन गोइयाँ भी तुम्हारी और बेटी भी तुम्हारी. बारी मेरी राजकुमार. इसका मतलब है कि अब शुरू हो गई रिश्तेदारी. अरे रिश्तेदारी अब हो गई, पहले मैं दुश्मनदारी में फंसा हुआ हूँ. मुजरम स्लो मोशन में आगे आगे और डिप्टी साहब उनके पीछे पीछे. वो देखो अब क्या होता है. ज्यादा चोट तो नहीं आई? चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूं। ज्यादा खून जाए तो मौत भी हो सकती है। मैं मौत से नहीं डरता। खून तुम्हारा है मगर जज्बा मेरा लगता है। इतनी अपनायत का एहसास क्यों है आपको? इसका जवाब तो मैं खुद भी तलाश कर रहा हूं। बहरहाल आपका शुक्रिया। बेटे को बाप का शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं होती। बाप, तुम मेरे बेटे की तरह ही तो हो। मुझे यकीन है अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी मेरी अमानत समझ के दी है। काश सारी जिंदगी इसी तरह तेरे सीने के साथ लगी रहूं, इसी तरह। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। सच? हाँ। तो फिर वादा? वादा। अल्लाह, मरीज़े और दोबारा खुश। मैं तो ये दिल की धड़कन सुन रही थी। अब कुछ कह रही है, धड़कन ही सुन रही थी। हाँ हाँ, ये गलत कैसे कह सकती है? बीना शर्मा गई। चलो बात बदल देते हैं। डिप्टी साहब, आपने ये तो बताया नहीं कि हमलावर कौन था? इतना याद रह गया है कि मैं तो उससे बच गया हूँ, मगर वो मेरे हाथों नहीं बच सकेगा। तो भूल जाते हैं, मगर जख्म लगाने वाला भी नहीं भूलता। जिसे हम रास्ते का एक मामूली पत्थर समझते थे, वो पहाड़ बनकर हमारे सामने खड़ा हो गया है। उस पहाड़ को रेजा रेजा कर दूंगा। खानू, होकर आए। हुकूमत ने मुझे 2 साल पहले ही रिहा कर दिया। तुम्हें खान, मेरा बेटा कहाँ है? 20 साल बाद दोस्त से मिले हो, मगर बेटे का पूछ रहे हो ना? बताता हूँ, ये रहा तुम्हारा बेटा। ये तूने से क्या बना दिया? जो तुमने कहा था, सारे शहर से पूछ लो, दिलावर जैसा बहादुर और फर्स्ट ऑफिसर तुम्हें कहीं। मैंने से बहादुर और दिलेर बनाने के लिए कहा था, पुलिस ऑफिसर। इसे न बताना कि मैं कौन हूं, तू ही इसका बाप। बाबा, ये कौन है? मेरे एक पुराने दोस्त हैं, 20 साल बाद मिले। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या हुआ? जो कान की आंख मचोली में ऐसा होता है अंकल, तो इस बात कि जुर्म कानून के साए तले परवरिश पा रहा है। मैं समझा नहीं। मुजरिम मेरे मोहसिन डीआईजी जमान का बेटा है। क्या तेरा बेटा मुजरिम बन गया है? कंगो, क्या सोच रहे हो? हा? कुछ नहीं, सोच रहा हूं पुलिस ऑफिसर के बेटे को मुजरिम नहीं बनना चाहिए था। उनके गुज़श्ता कई सालों से जो क्रो चैलेंज बना हुआ था सर, अब उसकी सिर्फ शाखें सामने आई है, जड़ तक नहीं पहुंच सका। शाखों को काट क्यों नहीं देते सर? शाखें कट कर दोबारा जड़ तो दरख्त सूख जाएगा। वैसे तो मैं उसके असर तक पहुंच गया हूं, सिर्फ बॉस की तलाश है, वो भी मिल जाएगा। ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। अनवर, तुम्हें अभी तक बात करने की तमीज नहीं आई। नाइट का जवाब पत्थर से देगा डैडी। लेकिन मैंने तो तुम्हें कुछ और सिखाया था। जरूरी नहीं डैडी के मास्टर जो सिखाए हर पर याद करनी चाहिए। अनवर साहब जी, आपका टेलीफोन। ठीक है, दिलाओ तो बैठो, सुन के आता हूँ, मुझे तुमसे काम है। जी अनवर, क्या है? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। देखो अनवर, मैंने तुम्हारे शायद को नहीं बताया तुम स्मगलरों को ग्रोह में शामिल हो गए हो। क्यों नहीं बताया? इसलिए कि मैं उनके जज्बात को इस खान से मजरूह नहीं करना चाहता। मेरा तुम्हें यह मशवरा है कि तुम साइमन को रंगे हाथों पकड़वाकर इज्जत हासिल करो। शट अप। ये तुम क्या किया, लेकिन तुम्हारा कसूर नहीं। एक तरह पर अंगूर नहीं लगा करते। तुम एक बुरे इंसान के बेटे थे, तुम्हें यही कुछ करना चाहिए था। हेलो, यस मिस्टर साइमन, जानता हूं माल कहाँ आएगा, आप फिक्र न करें। माल चाहे 1 लाख का हो, 20 करोड़ का, अनवर जानता है कि उसे आप तक कैसे पहुंचाना है। जी, मैं कल ठीक 11 बजे तक में पहुंचाऊंगा। जी ओके। जखीरा तुम्हारा इंतजार था। कोई मदद चाहते हो? नहीं, मैं एक शिकायत लेकर आया हूँ। किसी ने कोई ज्यादती की है? हाँ, हाँ। कौन है वो बदनसीब? मोहसिन। हैरान होने की जरूरत नहीं, मैंने ठीक कहा है। अनवर, तुम एक पुलिस ऑफिसर के बेटे हो, मगर जुर्म के रास्ते पर चल पड़े हो, और इन रास्तों की मंजिल दिल्लत के सिवा कुछ नहीं। तुम मेरे रास्ते को अपनी आंखों से देखो। मैं खुद अपनी मंजिल तक पहुंचने दी, मेरा रास्ता रास्ता ही नहीं, मैं तेरी मंजिल भी बदल दूंगा। इलाज तो हमारे बॉस ने कभी अपने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ा। वीना शिकार आता है। ओके मेरे सालम क्या हो, ये तो आप ही नीचे आए हैं। मैंने कहा मैम जी उधर देखें, खुद बचिए, गाड़ी की ब्रेक नहीं है। अजी शुक्र करें गाड़ी का गेट फंस गया है। ये तो खाना खदीज की बच्ची शिमला पानी कटा जाती है। अरे चोट तो मेरी बहन को लगी है। इसी तरह 6 साल पहले मेरी गाड़ी के नीचे एक अलग चीजा आ गई थी, आंखों से आंख लड़ी और तीसरे दिन निकल गई। अब वो मेरे 6 बच्चों की माँ है और 7वें के लिए मिडवाइफ को लेने जा रहा था, आप आ गई। मिडवाइफ तो तुझे मैं लेकर दूंगी, वो भी थाने से। आपकी बात तुझे मेरे खून का हिसाब देना पड़ेगा। चल थाने। मैंने कहा थाने थाने मुझे थाने लेकर ना जाए, यही मुकमुका कर लें। मुकमुकाई करने तो खिलने की क्या जरूरत है, बाकी का हिसाब थी ना, तुम हिसाब खुद ही बराबर कर लेना। मैंने कहा जी अब मेरी कार के नीचे आएंगी। चल मुझे रोज 4-5 थप्पड़ मारती है, मुझे तकलीफ होती है। ये थप्पड़ लगा मुझे सुकून मिल गया है। ये आला थप्पड़ लगते हैं और मैं सुकून की जिंदगी बसर करता है। टीना लॉक में अब ये थाने में गिने जाएंगे। तो पर आप तो ना बने डिप्टी साहब, आवारा करती और हेरा को अपने पेट की आग बुझाने का जरिया सिर्फ इसलिए बनाया कि शायद हमें अपने माँ बाप का कातिल असर आ जाए। माँ बाप का कातिल? हाँ डिप्टी साहब, हम पे हमारे माँ बाप की खून का है। हमारा बाप क्या था, एक तो मछलियां पकड़ने गया, वो क्या सिल्वा तुम कानून के शाबाश नौजवान, एक खतरनाक मुजरम की हुकूमत ने जो इनाम रखा था वो अब तुम्हें मिलेगा। हाँ, जिंदा रहेगा तो मिलेगा ना। तुम्हारी छुट्टी, तुम्हारे बच्चे आ गए। शाबाश बेटे, चलो बेटे जाके तुम सो जाओ। शाबाश। चलो बिना बिना के वाह, बड़े खुश हो। अरे बैठ तो बताता। अरे आमना तुझे कहा ना, रब ने जब भी हमें दिया छत फाड़ के देगा। तो फिर आज कौन सी छत आई हो? एक बहुत बड़ा मुजरिम था गवर्नमेंट का। अच्छा? उसकी गिरफ्तारी के लिए गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा रखा था, उसे मैंने आज पकड़वा दिया। फिर वो इन्हें मिलेगा ना? और क्या मिलेगा? तुम्हें इनाम में हम आ गए। तुम बच्चों के गए। तुम्हें कहा था ना कि दुनिया की कोई जेल सिल्वा का रास्ता नहीं रोक पहले इसे नाम तुम लोग दो। मेरी शादों की तरह बेटियां हो, मेरी बच्चियां हो, मेरी बेटियां हो। बड़ी दर्दनाक तुम्हारी याद थी, मगर दुश्मन को ढूंढने का यह तरीका कानून की नजर में जुर्म है। हमारा दुश्मन मिल जाए तो हमारा दुश्मन भी खत्म हो जाएगा। कातिल की तलाश, ये मेरा वादा है। तो फिर औरत का नाम और उसका वकार कायम रखने का इकरार हम करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब तुम दोनों ओके? अकेली 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 अकेली, आज तुम अकेली हो ना? अकेली, पर आज भी घर में नहीं है। तुम्हारा पापा भी घर में तो क्या था, कानून के सामने उसकी कोई पेश नहीं चल सकती। पूरा पुलिस मुकाबला पुराने खान। अरे अब्बा को गोली मारो, कुछ प्यार की बात करो। मैं तुम्हारा अब्बा नहीं, तुम्हारा अब्बा तो बाहर जाकर किसी को उल्लू बना रहा होगा। पहले उसने हम दोनों को मिलवाया, पहले बोला और फिर बाद में छोड़े। क्या है बूढ़े बगले को उसके महबूब से मिलवाना किया? अब करना होगी। जाओ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए। बोलो तुम का निकाह कबूल? क्या बात करते हो, कोई इंतजाम ना कुछ पैसे के इंतजाम में कर दूंगा। बोल तुम नहीं, तुम्हारी कबूल तुम पे होगा। अच्छा तशीफ ले जाए, हमने जरूरी मैटर डिस्कस करनी है। तो आप सुनो बेटे, ये शहरों का मोहल्ला है, आप फिक्र न करें। ये मैटर है ना, ये सारा साइलेंट सीक्वेंस है। अच्छा, सिर्फ तकैया है और मुक मुकैया है। बेटे ठीक है, अब कुछ नहीं यार। अकेले तुम्हारा बाप तो बिल्कुल ही। चलो ठीक है, आओ ना फिर बैठो। अस्सलामुअलैकुम। तुम्हारे सुहाग के सुर्ख जोड़े की गर्मी ने मेरे पास में आग लगा दी है। अब तुम अकेली नहीं रही, इसलिए कि हम दूजे में खो गए। सामने लो, देखें तो सही कि ये जोड़ी कैसी लग रही है। आया हमारी जोड़ी को कोई तत्ती हवा तो नहीं लगेगी। आओ अकेली, आओ आओ मेरे अकेली। के सबसे बड़े इंसान बन सको, तुम अपने बाप को बदला कर सको। नहीं नहीं नहीं, इतना गंदा तो नहीं था तेरा। काश तुमने मुझ पर एहसान न किया होता, काश तुम्हें मालूम होता कि ये बात तुम्हारे साथ क्यों आता। तुम तो इस तरह मेरे साये के साथ हो जैसे तुम मेरे बाप हो। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खून से बनते हैं और कुछ रिश्तों की ज़बान सिर्फ आंखें होती हैं। मेरी आंखों में झांक कर देखो, शायद तुम्हारा मेरे साथ कोई रिश्ता निकल आए। मैं यहाँ रिश्तों की पहचान के लिए नहीं, दिलावर की मौत बनकर आया हूँ। मेरे जीते जी तुम दिलावर को नहीं मार सकते तो फिर तुम भी उसे मेरे हाथों से नहीं बचा सकते। अपना हाथ रोक ले, मैं कहता हूँ अपना हाथ रोक ले। खास्ता ये मरा नहीं है साहब, चोट लगने से बेहोश हो गया है। पर तुम हो कौन और इसे कहां से लाए हो? मैं कोई भी हूं, लेकिन ये तो आपका बेटा है ना। हम तुम पे इसलिए शक नहीं कर रहे कि तुम खुद इसे हमारे घर छोड़ने आए हो, मगर ये तो बताओ ये जख्मी कैसे हुआ? चंद गुंडे इससे मार रहे थे, बचाकर उठा लाया हूं। मेरा ख्याल है इसका उन गुंडों के साथ कोई ताल्लुक है। काश तुमने इसे मर जाने दिया होता। जवान बेटे को जीते जी कौन मारता है साहब? जवान औलाद बाप की जिंदगी कांटों से भर दे तो ये हमारे प्यार की जुबान नहीं समझता। कुछ लोग प्यार की जुबान नहीं समझते साहब, नहीं समझते। हमारे अनवर को ये क्या हुआ है साहब? चोट लगने से बेहोश हो गया है, तुम डॉक्टर को फोन कर दो। ये सर। हेलो, डॉक्टर शाहिद बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब आपको डीआईजी जमान बुला रहे हैं, प्लीज जल्दी आ जाइए। दिलावर के साथ डीआईजी जमान की हमदर्दी ने अनवर को दिलावर के सामने नंगा कर दिया है। अनवर जुर्म और कानून के दरमियान एक पुल बन गया है और ये पुल पुलिस किसी वक्त भी अबूर करके हम तक पहुंच सकती है। इसलिए अब दिलावर का खात्मा जरूरी हो गया है। लेकिन इस खंजर की धार पर हाथ कौन रखेगा? विलास। विलास खत्म करेगा डिप्टी दिलावर को। ओह बॉस, यू आर रियली ग्रेट। सेम टू यू। ठीक 4 बजे जान की लांच आने वाली है, ये ब्रीफकेस उसे दे देना। कोड नंबर याद है? यस बॉस। हमारे माँ बाप का कातिल। तो फिर आज इसका पीछा भी करना है और इसका अड्डा भी देखना है। आखिर डीआईजी जमान के बेटे अनवर से तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों है? इसलिए कि डीआईजी साहब मेरे बेटे के मोहसिन हैं और मैं उनके बेटे को सीधे रास्ते पर लाकर उनके एहसान का बदला चुका सकता हूं। देखो गंगू, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं। देखो सच सच बताओ क्या बात है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं कहता हूं सच बताओ। अब तुम्हें तुम्हारी मरहूम बीवी की कसम है, बताओ। इतनी बड़ी कसम दे दी है खानू, अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। दिलावर मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा अनवर है। क्या कह रहे हो गंगू? मैं सच कह रहा हूं खानू। दिलावर डीआईजी जमान का बेटा है। दुश्मन मेरे पीछे था। मेरे हाथों में बंदूक की बजाय मेरा अपना बच्चा था। और जब मैं अस्पताल के कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे पास उस वक्त डीआईजी का बेटा था, जिसे मैं तुम्हारे हवाले कर गया। मुझे यकीन था कि मेरा बेटा पुलिस ऑफिसर ही बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ खानू। शायद मेरा खून गंदा था और गंदा ही निकला। नहीं, खून अच्छा या गंदा नहीं होता गंगू, हालात उसे अच्छा या गंदा बनाते हैं। अच्छाई बुराई सब खत्म हो जाएगी। मरने से पहले एक और बुरी खबर सुन लो। मेरा बॉस साइमन ही सिल्वा है। सिल्वा। मगर अब तुम्हारी आंखों का नूर खत्म हो जाएगा। मुझे अफसोस है कि तुम अब जिंदा नहीं बचोगे। खानू, जोर मेरी फिक्र मत करो, उसका पीछा करो। अगर वो बचकर निकल गया तो तुम सारी जिंदगी सलवा तक नहीं पहुंच सकोगे। जाओ गंगू, जाओ। तेरे बॉस का अड्डा कहाँ है? मुझे नहीं पता। पता नहीं तो मैं तेरी सांस खत्म कर दूंगा। बताता हूं, छोड़ दे। बाबा, 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 बाबा। साइमन के बंदे मारने आए थे। साइमन ही सिल्वा। मुझे पहले ही शक था बाबा, मगर वो अब मुझसे बच के नहीं जा सकता। मेरी बात गौर से सुन दिलावर। 20 साल पहले सिल्वा ने गंगू की बीवी को कत्ल कर दिया था और गंगू ने अपने बेटे की जिंदगी और मुस्तकबिल की खातिर उसे डीआईजी समान के बेटे से बदल लिया। वो बेटा तू है दिलावर। ये क्या कह रहे हो बाबा? दिलावर, तुम डीआईजी सामान के बेटे हो और अनवर गंगू का बेटा। साहब साहब, हमने अपने माँ बाप के कातिल को पहचान लिया है और उसका अड्डा भी देख लिया है। वेरी गुड, मगर वो है कौन? पहले उसका नाम सिल्वा था, अब साइमन है। साइमन? ये सब कुछ तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया खानू? मुझे भी तो आज ही पता चला है डीआईजी साहब। अब समझ आई है, दिलावर सामने आता था तो दिल उसकी तरफ क्यों खींचता था। हमें खून के इस मिलाप पे खुशी भी है और फख्र भी। हैरान इसलिए है कि अगर हमारा खून एक है तो फिर दिलावर का खानदान दूसरा क्यों है? साइमन, क्या कह रहे हो विलास? जो सुना है वो कह दिया है साइमन। देख सोनिया, जिंदगी मौत के सामने आप ही आ गई है। तेरे सामने तेरी मौत खड़ी है सिल्वा। 20 साल से मेरे सीने के अंदर इंतकाम की जो आग भड़क रही थी, आज उसी आग में मैं तुझे राख कर दूंगा। वेल डन अनवर, वेल डन। आज तूने साबित कर दिया है कि तेरी वफादारी कभी गद्दारी में नहीं बदल सकती। ये मेरा सबसे पुराना और बड़ा दुश्मन है। मुझ पर भी इसका एक कर्ज है जो आज मैं उतार दूंगा। आज मैं देखूंगा कि इसके बाजुओं में कितनी ताकत है। मेरी सारी ताकत तो तेरे बाजुओं में है। इस शाम को डंक मारने की मोहलत न दे अनवर, इसकी खाल उधेड़ दे। आज सिल्वा का इंतकाम देखना गंगू, आज तक इस तरह का अनोखा इंतकाम किसी ने नहीं लिया होगा। You are really great, boss. Same to you. Well done, Anwar, well done. रुक जाओ अनवर, इसके आखिरी सांस लेने से पहले हम एक जश्न मनाएंगे। आज हम बहुत खुश हैं और आज की ये खुशी हम तेरे नाम करते हैं। आज की शाम तेरे नाम। रोशनियों से, सच की उजली रोशनियों से चमका हमारा चेहरा। अपने हाथ से अपने सर पर, अपने हाथ से अपने सर पर बांधेंगे इंसाफ का सेहरा। चुकाएंगे प्यार करेंगे अपने प्यारों से, प्यार करेंगे अपने प्यारों से। वैरों को तरसाएंगे, वैरों को तरसाएंगे। रंग भरे इस महफिल में हम अपना रंग जमाएंगे। प्यार करेंगे अपने प्यारों से, प्यार करेंगे अपने प्यारों से। ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी जश्न था सिल्वा और साइमन। अगर अपने बॉस की जिंदगी चाहते हो तो हथियार फेंक दो। और जिनके हाथ सरों से ऊपर नहीं जा सकते वो अपने सर नीचे ले आए। तुमने ये कैसे सोच लिया कि हमारे बॉस के सारे साथी अंधे और सोए हुए हैं? मिलता तो तुमने मुझे गोली मार देनी थी, मगर मैं तुम्हें तुम्हारे दुखी बाप के सामने गोली नहीं मारूंगा। मेरा बाप? हाँ, ये तेरा बाप है अनवर। ये बुरा था, कानून का मुजरिम था, मगर तुम्हें अच्छा इंसान बनाने के लिए इसने तेरा मुस्तकबिल एक पुलिस अफसर के हवाले करके अपने दिल पे पत्थर रख लिया। वाकई मेरे बाप हो। अगर मैं तेरा बाप न होता तो तुझे वतन दुश्मन लोगों से दूर रखने की कोशिश कभी न करता। तेरे रास्ते की दीवार इसलिए बनता रहा कि तूने अपनी मां के कातिल को सरपरस्त बना लिया था। सुन बेटे, 20 साल पहले तेरी मां को सिल्वा ने कत्ल किया था। सिल्वा के साथ सारे रिश्ते तोड़ दे अनवर, उसका गुलाम नहीं, अपनी मां का इंतकाम बन जा, इंतकाम बन जा, इंतकाम बन जा। बेटे मेरे सीने से लग जा, मेरे सीने से लग जा बेटे, मेरे सीने से लग जा। नहीं, मैं तेरे सीने से नहीं लगूंगा। जिस बेटे का हाथ बाप पर उठ जाए वो बेटा नहीं, उस रिश्ते का कातिल होता है। सहमन से जब तक अपनी मां के खून का हिसाब नहीं ले लेता तेरे सिरे से नहीं लगूंगा बाबा, तेरे सिरे से नहीं लगूंगा। सोनिया, 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 ये क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया, तुम्हें प्यार किया है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं इतनी मैली थी कि मैं तुम्हें बताकर तुम्हें मैला नहीं करना चाहती थी। सोनिया, अरे बम, खाना खराब के बच्चों, बमों का भी कारोबार करते हो? अब यही बम तुम्हारे टुकड़े करेगा। जरा मैं फीते को आग लगा लूं। कहां गई माचिस? ये शोला, उई। तरह मारेंगे जिस तरह तूने हमारे माँ बाप को कत्ल किया था। तुम कौन हो? तुम याद कर सिल्वा, आज से 20 साल पहले एक मच्छेरे ने कानून की मदद की थी और तूने उस मच्छेरे और उसकी बीवी को कत्ल कर दिया था। याद कर। हमारे माँ बाप थे सिल्वा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ याद आया याद आया। अपने माँ बाप से इतने अरसे के लिए जुदा रहने का मुझे बड़ा ही अफसोस है, मगर तुम लोग फिक्र न करो, 20 साल बाद भी मैं तुम लोगों को तुम्हारे माँ बाप से मिला दूंगा। बांध दो इनको। अब पूरे 10 मिनट बाद ये टाइम बम फटेगा और मछलियों को तुम्हारी बोटियों की सूरत में एक लजीज खुराक मिलेगी। अब ये मुल्क हमें छोड़ देना चाहिए। आओ। ड्राइवर, जल्दी जल्दी लॉन्च चला। अनवर बेटे, तू सिर्फ बेटा कहने से बाप का रिश्ता कायम नहीं हो जाता साइमन। मेरी मां के मरने से लेकर मेरे बाप को लगने वाले कोड़ों तक बड़ा लंबा हिसाब है और ये हिसाब मैं तुझसे कुछ इस तरह लूंगा कि आज के बाद किसी गंगू का बेटा अनवर नहीं बनेगा। तुझे 100 बार भी मार दूं तो मेरे इंतकाम की आंख नहीं बुझ सकती सलमान। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जा अनवर। तेरी मां के खून का कर्ज चुकाने की कसम मैंने उठाई हुई है अनवर। तू परे हट जा, परे हट जा बेटे। उठोए उठ। ये मेरी बीवी का आखिरी मकाम ही नहीं, तेरा अंजाम भी है सिल्वा। देख इस मिट्टी को जो तेरे खून की प्यासी है, महसूस कर मेरी बीवी की रूह को जो इस मिट्टी के जर्रे जर्रे से मेरे आने की आस लगाए बैठी है। आज वो आस भी खत्म होगी और प्यास भी बुझेगी। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। तेरा शुक्र है मेरे मौला, एक वतन दा दुश्मन ते कुत्ते दी मौत मरिया। वो डीएजी साहब, गिरफ्तार कर लो इसे। आप मुझे हथकड़ी का तोहफा दे रहे हैं साहब, मगर मैं आपको एक ऐसा तोहफा दूंगा जो कोई और नहीं दे सकता। दिलावर आपका सगा बेटा है। हमें सब पता चल चुका है गंगू, मगर हम कानून के हाथों मजबूर हैं। जिंदगी तो है ही मजबूरियों का नाम साहब। मैंने अपनी बीवी के खून का कर्ज तो चुका दिया है, मगर अभी एक फैसला बाकी है। जिंदा गंगू अब अपनी फरीदा के पास जा रहा है साहब। अब आप मुर्दा गंगू को हथकड़ी पहना दे।